आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों नया चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम आपको मनुष्य के बारे में पढ़ाएंगे, मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है, सीधे आपकी बॉडी से संबंधित है और आपसे संबंधित है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब मानव जनन। मानव जनन तंत्र में क्या है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है यानी यूनिसेक्सुअल प्राणी होता है, और इसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं यानी पुरुष होगा और स्त्री होंगी, तो दोनों के जननांग भी अलग अलग होंगे, इनको एक लिंगी कहते हैं। तो इनमें क्या है, नर और मादा में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एक तो होते हैं इनके द्वितीय लैंगिक लक्षण, जैसे दाढ़ी मूछ आना, आवाज़ का मोटा और पतला होना, स्किन से पहचानना, ये द्वितीय लक्षण होते हैं। और मेन क्या होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो लैंगिक जनन के द्वारा मालूम होता है, जननांगों से पता चलता है कि ये नर है कि मादा है। तो यहाँ पर हमने शुरू किया है, स्टार्ट किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है मेल मतलब नर जनन तंत्र, ये जो सिंबल बना है वो मेल का है यानी पुरुष का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो पुरुषों का जननांग पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। तो इसमें क्या है, पहला है वृषण कोश जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, ये जननांग है। पुरुषों के जननांग मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वृषण कोश, जिसके अंदर वृषण सुरक्षित होते हैं और ऊपर से एक प्रकार की स्किन होती है, कवा होता है, तो जिसको हम स्क्रोटम यानी वृषण कोश कहते हैं। हमारी बॉडी में टेस्टिस ही जो है मेन है, मुख्य जननांग जो पुरुषों के हैं वो क्या है, टेस्टिस। तो एक जोड़ी टेस्टिस हमारे उदर गुहा के निचले भाग में दोनों पैरों के बीच में शरीर के बाहर लटके होते हैं टेस्टिस। अब ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं बच्चों, देखा होगा सभी स्तनधारियों में जो टेस्टिस होते हैं यानी जो वृषण होते हैं, अंडकोश जिनको कहते हैं, वो शरीर के बाहर होते हैं। क्यों बाहर होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अधिक होता है और बाहर का टेम्परेचर कम होता है। बच्चों शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में यानी वृषण में। तो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं उनको बनने के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता है, उनको चाहिए 24, 25 और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो जो बॉडी के बाहर मिलेगा, इन्वायरमेंट में मिलेगा। तो समस्त स्तनधारियों के टेस्टिस शरीर के बाहर होते हैं, बट जो हाथी है एलिफेंट के टेस्टिस बॉडी के अंदर होते हैं, उधर गुहा में ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं आर्ची टेस्टिस। ऐसे टेस्टिस को जो उधर गुहा में ऊपर चढ़ जाते हैं और प्रजनन काल में ही बाहर वो निकलते हैं, तो इनको बोलते हैं आर्ची टेस्टिस, हाथी में ऐसा होता है। तो इस प्रकार से टेस्टिस के ऊपर का जो आवरण है, जो खोल है, उसको हम वृषण कोश कहते हैं, और उस वृषण कोश के अंदर दो टेस्टिस यानी एक जोड़ी टेस्टिस सुरक्षित होते हैं। अब टेस्टिस क्या है, एक कनेक्टिव संयोजी ऊतक से बनी हुई मांसल संरचना होती है, जो दो गोल अंडाकार संरचनाएं होती हैं, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं यानी वृषण कहते हैं, जो शरीर के बाहर यानी बॉडी के बाहर उदर गुहा में, उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच में लटके होते हैं, ये पुरुषों में होगा। तो टेस्टिस क्या है, एक जोड़ी, वन पेयर टेस्टिस है। स्क्रोटम सिंगल था, टेस्टिस क्या है, वन पेयर। और अगला है अधिवृषण, यह अधिवृषण मतलब एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये क्या है, ये टेस्टिस के नीचे का भाग होता है जहां से शुक्रवाहिनियां निकलती हैं, शुक्रवाहिनियां जहां से निकलती हैं, इसको बोलते हैं अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। ये भी सिंगल होगा, पेयर में नहीं होगा, जोड़ी में नहीं होगा। तो ये है अधिवृषण, एपिडिडाइमिस उसके नीचे का भाग होता है। और यह अगला है शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां क्या है, दोनों टेस्टिस से निकल करके दो नलिकाएं जाती हैं, और वो नलिकाएं कहाँ पर खुलेंगी, पेनिस में यानी सिस्ट में। जो पेनिस है जिससे वीर बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है, जो मनुष्य का लिंग होता है उसी को सिस्ट कहते हैं यानी पेनिस कहते हैं। तो ये जो दो वासा डिफरेंसिया हैं, शुक्रवाहिनी इनको बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। तो दो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, एक टेस्टिस और दूसरे टेस्टिस से निकल करके वो कहाँ जाएंगी, शुक्राशय में जाएंगी यानी सेमिनल वेसिकल में जाएंगी, और जहाँ पर शुक्राणुओं को स्टोर रखती हैं। तो शुक्रवाहिनियाँ क्या है, एक प्रकार की नलिकाएँ होती हैं जिससे शुक्राणु
शुक्राशय तक पहुंचते हैं, दो होती हैं। अगला है शिश्न यानी पेनिस। पेनिस जो है मैथुन अंग है और मूत्र विसर्जन का भी कार्य करता है, यानी मूत्र मार्ग भी है और मैथुन का भी कार्य करता है शिश्न पेनिस। ये सिंगल होगा, जोड़े में नहीं होगा। और शुक्रवाहिनियाँ जोड़े में होंगी, वन पेयर शुक्रवाहिनियाँ वन पेयर होती हैं और टेस्टिस भी वन पेयर होंगे, एक जोड़ी टेस्टिस तो एक जोड़ी शुक्रवाहिनियाँ। और पेनिस सिंगल होगा, शुक्राशय भी आपके ये सिंगल होंगे, शुक्राशय भी सिंगल होते हैं। शुक्राशय क्या होता है? सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स क्या होती है? एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर वीर का निर्माण होता है, वीर मतलब सीमन, सीमन का निर्माण इसके अंदर होता है जो सेक्स के समय बाहर निकलता है स्खलन होकर के, और उसी में क्या होते हैं शुक्राणु रहते हैं, शुक्राणुओं का पोषण उसी के अंदर होता रहता है और उसमें वो शुक्राणु यानी स्पर्म जो है तैरते रहते हैं। तो शुक्राशय के अंदर यानी सेमिनल वेसिकल्स के अंदर शुक्राणु स्टोर होते हैं और इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसमें एक प्रकार का द्रव होता है जिसको हम वीर कहते हैं सीमन, और ये सीमन क्या होता है प्रोस्टेट ग्रंथ से निकलता है। अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब कुछ ग्रंथियां होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड, बच्चों आपने देखा होगा कि प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है पुरुषों में, जब एज बढ़ती है उम्र बढ़ती है तो प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग की नलियां हैं वो फूल जाती हैं, फूलने के बाद वहां से मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। कॉपर ग्लैंड से भी एक प्रकार सा द्रव निकलता है और जो वीर का निर्माण करता है, वीर के साथ में रहता है और शुक्राणुओं को पोषण देता है। तो कॉपर ग्लैंड से जो द्रव निकलेगा वो खासकर जब सेक्स होगा यानी संभोग के समय पुरुष के शिश्न यानी पेनिस से निकलता है, जब वो उत्तेजित होता है पुरुष तब कॉपर ग्लैंड से द्रव निकलता है। ये क्या करता है? सेक्स के समय योनि को चिकना करता है, जब वो द्रव आग निकलेगा तो योनि मार्ग जो है चिकनी हो जाती है और आसानी से प्रवेश करेगा कौन? पेनिस। तो इस प्रकार से कॉपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड से द्रव निकलते रहते हैं और जो सेक्स में या शुक्राणुओं के पोषण में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये था जननांग के बारे में, जो पुरुष के जननांग थे मैंने बताया। अब इधर है टीएस ऑफ टेस्टिस, ये एक फिगर बना रखा बच्चों, ये क्या है टीएस ऑफ टेस्टिस। यहाँ पर दो नंबर पर क्या है टेस्टिस, जो पुरुष है उसके जो जननांग है उसमें मुख्य क्या है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर बच्चों क्या होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन टेस्टिस इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्रजनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो टेस्टिस क्या होते हैं? हमारी बॉडी के बाहर होते हैं और वो क्या करते हैं, उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है इसलिए बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। जब हम टेस्टिस का टीएस काटेंगे तो इस प्रकार से इसमें अंदर संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। सबसे बाहर की जो परत होती है इसको हम बोलते हैं जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर होती है यानी जनन कोशिका या जनन परत होती है जिसमें से छोटी छोटी सी कोशिकाएं बनेंगी। ये कोशिकाएं जो जनन लेयर से जुड़ी हुई है इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया यानी प्राथमिक कोशिका। पहली कोशिका जो शुक्राणुओं के निर्माण की पहली कोशिका क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। अब क्या है, जब ये कोशिकाएं और धीरे धीरे बड़ी होंगी तो इन स्पर्मेटोगोनिया को फिर हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। ये देखिए ये छोटी कोशिकाएं थी स्पर्मेटोगोनिया, उससे बड़ी कोशिकाएं क्या है स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स क्या होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी, दो प्रकार की होती है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब ये और बड़ी होती है धीरे धीरे तो इस आकृति में आ जाती है, थोड़ा और बड़ी हो जाएंगी लेकिन वो गोल ही होंगी, तो इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिस। ये क्या होती है स्पर्मेटिस। तो इस प्रकार से स्पर्मेटिस का निर्माण हो गया। अब क्या होता है, कायांतरण की क्रिया होगी यानी इन कोशिकाओं में कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। कायांतरण में क्या होता है बच्चों कि जब किसी कोशिका का या किसी अंग का आकार चेंज होता है और आकृति यानी उसकी आकृति में भिन्नताएं जब आए। यहाँ पर देखिए स्पर्मेटिक्स कोशिकाएं कैसी थी, गोल थी, और ये जो अंदर बने हुए लंबे जो सांप के आकार के दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजोवा। ये यहाँ पर बने हैं स्पर्मेटोजोवा यानी कोशिका गोल से लंबी हो गई है यानी इसमें कायांतरण हो गया। जैसे मेढक का लार्वा मछली के आकार का होता है और फिर मेढक जब बनता है वो नौका आकार हो जाता है,
यानी उसकी आकृति चेंज हो गई है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ बनेंगे जिनको हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म मतलब शुक्राणु। इस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है। और देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कोशिकाएं क्या है, लीडिंग सेल्स, ये यहाँ पर उन्होंने लिखा है लीडिंग सेल्स या इंटरस्टीशियल सेल्स, अंतराली कोशिकाएं। तो लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, ये नर हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, यानी पुरुषों में जो उत्तेजना वाला हार्मोन्स होता है, सेक्स पावर बढ़ाता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण लीडिंग सेल्स करती हैं। और यहाँ पर एक कोशिकाएं ये बनी है जिनको हम सर्टोरी सेल्स कहते हैं, यहाँ पर लिखा है सर्टोरी सेल्स या नर्स सेल्स, नर्स मतलब धाय कोशिका। तो ये सर्टोरी सेल्स क्या करती हैं, इस प्रकार से बनी है, देखिए लंबी हैं और स्तंभाकार, ये लंबी कोशिकाएं बनी हैं, यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये देखिए और ये देखिए, और इनके चारों ओर क्या है, शुक्राणु, इनके चारों ओर शुक्राणु चिपके हुए हैं। तो इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, सर्टोरी सेल्स या नर्स सेल्स। इनका काम क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण देना। देखिए शुक्राणु इन कोशिकाओं से चिपके होते हैं, जब शुक्राणु बहुत छोटे होते हैं तब इन कोशिकाओं से वो चिपके होते हैं, यानी जो आपके स्पर्मेटिस से स्पर्म जब बनेंगे छोटे वाले, तो वो नर्स कोशिकाओं से चिपके रहेंगे और वहीं से उनको पोषण मिलता है। तो पोषण का कार्य करती है कौन, सर्टोरी सेल्स, जिनको हम नर्स सेल्स कहते हैं। जब जो स्पर्म है और मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, ये देखिए ये बड़े हैं, बड़े वाले स्वतंत्र रूप से यहाँ पर बीच में आकर के वो फ्री हो जाते हैं और कहाँ पर, शुक्राशय में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं, सेमिनल वेसिकल्स में, जहाँ पर वीर्य होता है, वीर्य मतलब सीमन। जब पुरुष स्खलित होता है सेक्स के दौरान तो उसमें से सीमन निकलता है, उस सीमन में ही शुक्राणु तैरते रहते हैं और वहीं से उनको फिर पोषण मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये था टीएस ऑफ टेस्टिस की संरचना, और ये था नर जननांग, नर जननांग का टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।